आपको? सेवन इंटू सेवेंटीन कितना होगा बताओ? दस अच्छा बताओ, नहीं सच से बताओ, रियल वाला ऐसे नहीं, अंदर से जो रियलिटी है, जो रियलिटी बता रहा हूँ, स्टार्स कैसा लगता है? अच्छा पता है, ये दो चीज होता है, एक एक होता है इमोशन, इमोशन समझते हो क्या होता है इमोशन, और एक होता है फीलिंग। इमोशन और फीलिंग में क्या फर्क है? जैसे मैं बताता हूँ इसका क्या है, ये आप हो ठीक है, और ये आपका बेस्ट फ्रेंड है ठीक है, और इसने टॉक मार लिया, तो जो आपको फील होगा ना अंदर वो इमोशन है, और जो उसको आप बोलोगे वो फीलिंग है। आप इसको क्या बोलोगे? कॉन्ग्रेट्स, वेरी नाइस, ऐसे बोलोगे ना, पर अंदर अंदर थोड़ा जेलस फील करोगे ना? नहीं करोगे, नहीं, नेचुरल है, समझो। समझ गए? नहीं तो हो सकता है कि आपको अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप अंदर से भी खुश हो, तो फिर उस केस में दोनों सेम हो गया, फिर इमोशन और फीलिंग सेम हो गया। इमोशन होता है जो आपको इंटरनली आपके बॉडी में माइंड में जो फील हो रहा है, और फीलिंग होता है जो आप बोल के एक्सप्रेस करते हो, तो कभी कभी जो अंदर है वो बाहर भी हो सकता है, तो दोनों फीलिंग और इमोशन मैच कभी कर सकता है, समझ रहे? तो वो इमोशन बताओ कैसा है स्ट्रेस को लेकर, फीलिंग नहीं बतानी है, मतलब जो अंदर से फील होता है उसी हिसाब से मैं स्ट्रेस पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो? वहीं से स्टार्ट करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि कहां पे प्रॉब्लम है। देखो अगर कुछ नहीं आता होगा तो नाइन से शुरू करूंगा, कुछ आता होगा तो इलेवन से शुरू करूंगा, बस इतना ही फर्क है। नाइन्थ वाला ही इलेवेंथ में मिल है, कब से स्टार्ट होता है स्टैक्स बताओ? वो भी ऐसे बोलते हैं स्टैक्स शुरू से करते हैं, तभी मजा आएगा, फिर एक भी फॉर्मूला रखना नहीं पड़ेगा, गारंटी है ठीक है। आपको फॉर्मूले से नहीं कष्ट है, फॉर्मूले याद नहीं होते, फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा, कुछ टेंथ के फॉर्मूले वो याद करना पड़ेगा। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ डाटा और डेटा, डाटा समझते हो क्या होता है? इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन क्या है? डाटा। तो ये इसका बहुत ज्यादा यूज है, आपको आना चाहिए अच्छे से, अगर आप ये स्टैट्स सीख लिया ना, आप फाइनेंस में और यार बहुत कुछ अच्छा समझ, चीजों को समझना शुरू कर दोगे, फिर स्टैट्स हमें आना चाहिए, रियल लाइफ में हमें आना चाहिए, सबको आना चाहिए बेसिक स्टैट्स, समझ रहे हो? नहीं तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है ना, जैसे फोन बेवकूफ बनाते हैं, इंश्योरेंस वाले सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं, हमें वो कैलकुलेशन उल्टा पुल्टा समझा देते हैं और मान लेते हैं, पर हमें प्रॉफिट पता होगा तो नहीं मानेंगे, हमें कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, तो बेसिक स्टैट्स तो पता ही होना चाहिए आपको ठीक है। स्टडी ऑफ डाटा, अब देखो डाटा का स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो काम करना है। जैसे मान लो आपने जूते का दुकान खोल दिया, एडिडास को ओवरटेक कर दिया आपने मान लो ठीक है, और आपने द्वारका में एक अपना शोरूम बनाया ठीक है, तो उस दुकान में कौन सा साइज का जूता सबसे ज्यादा रखोगे? 20 नंबर, 9 और 8, क्यों? क्योंकि
टीनेजर्स यूजुअली ज्यादा तो आप ये सोचोगे ना कि सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है मार्केट में, वही लाओगे ना, दुकान में रखने से थोड़ा प्रॉफिट होगा, बिकना भी तो चाहिए, तभी तो पैसे कम हो गए, जब तुमको बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट कैसे होगा। तो आप समझ गए, तो स्टेप्स लग रहा है ना वहां पे, कैलकुलेशन कर रहे हो, डाटा का स्टडी कर रहे हो ना, कौन सा हमें मंगाना है, या अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल दी मान लो, तो कौन से साइड पे ज्यादा प्रोडक्शन करना है आपको, तो उसका ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे जिसका सप्लाई ज्यादा है, जिसका डिमांड ज्यादा है, वही तो है स्टैटिस्टिक्स। और क्या है, समझ रहे हो? जैसे मान लो आपके टेंथ में क्या नंबर आया, कितने परसेंट आए, तो वो क्या है, वो भी तो स्टैटिस्टिक्स ही है। मान लो किसी के टेंथ में आ गया 97% एग्रीगेट, इसका मतलब है इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि उसका हर एक सब्जेक्ट में 97 के आसपास नंबर आया होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में 100 भी हो सकता है, किसी में 95 भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि मन ऐसे नहीं होगा कि किसी में 30 आया होगा, 30 किसी में ले आएगा, बाकी में 100 भी ले आएगा ना, तभी 97% नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो हमें क्या लगता है, इसे डाटा का आइडिया लगता है ना, फिर हम उसके हिसाब से कुछ डिसीजन ले सकते हैं। नहीं, आपके घर वाले डिसीजन ले सकते, चलो तुम जेई की तैयारी कर सकते हो, मान लो आपने 67 लाया, तो उसको फिर डाउट होगा, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं, तो है ना, कैसे लाइफ में डिसीजन लेते हैं, ऐसे तो डिसीजन लेते हैं डाटा को स्टडी करके, ऑब्जर्व करके, समझ रहे हो स्टेप्स कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो डाटा को बहुत तरीके से स्टडी कर सकते हैं, कुछ कॉमन चीजें जो अभी हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, एक होता है मीन का मतलब होता है एवरेज, क्या होता है एवरेज, एक होता है क्या मोड, और एक होता है मीडियन, लिखना नहीं है ये सब पहले से जानते हो, बाद में जब बोलेंगे तब लिखना, लिखना हो तो देखो, ये सबको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, क्या बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो स्टैट्स है ना, एक कैलकुलेशन से बहुत ऊपर की चीज है, ये हमें बताएंगे ज्यादा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जिसका स्टैट्स स्ट्रॉन्ग है ना, वो बहुत मालूम बहुत पैसे कमा सकता है, वो बहुत टफ भी होता है स्टैट्स हाई लेवल पे। अभी एक मेरे जान पहचान के है, वो IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है, और अभी USA में गया है स्टैट्स पढ़ने के लिए, मास्टर करने के लिए, उसमें स्टैट्स एंड फाइनेंस पढ़ने के लिए गया। तो हाई लेवल पे स्टैट्स बहुत काम की चीज है। तो सेंट्रल टेंडेंसी ये कैलकुलेशन से अलग है, बहुत अलग है, कैलकुलेशन तो अपने आप ही हो जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जो डाटा है, डाटा क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन किस पॉइंट के अबाउट सेंटर्ड है, किस पॉइंट के अबाउट सेंटर है, मतलब मान लो किसी स्कूल में, किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसका एवरेज मार्क्स निकाला आउट ऑफ 100 और 70 आ रहा है, इसका मतलब है ज्यादातर बच्चों का नंबर जो है ना 70 के अबाउट सेंटर्ड है, मतलब 70 से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है किसी का, 70 से थोड़ा कम भी हो सकता है, इस पॉइंट के अबाउट वो फ्लक्चुएट कर रहा है नंबर, किसी का इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, तो इसी ये सेंटर पॉइंट वो एक तरीके से हो गया, किस ज्यादातर जो नंबर है बच्चों के किस के आसपास है, तो एवरेज 70 है, इसका मतलब है कि ज्यादातर बच्चों के नंबर 70 के आसपास गए होंगे, समझ रहे हो? तो ये सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये हुआ है कि जो ज्यादातर डाटा है किस पॉइंट के अबाउट है, किसके आसपास में ज्यादातर डाटा, वही सेंटर पॉइंट हो गया एक तरीके से, समझे? नहीं समझे? सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो डाटा है किस पॉइंट के अबाउट सेंटर है ज्यादा, किस नंबर, किस ऑब्जेक्ट, वो नंबर भी हो सकता है ना,
किस इंफॉर्मेशन के बहुत ज्यादा सेंटर्ड है, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। समझ गए? तो कभी कभी हम लोग मीन यूज करते हैं, कभी कभी मोड यूज करते हैं, कभी कभी मीडियन यूज करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, है ना। तो मीन क्या होता है? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो कैसे निकालते हैं एवरेज, जैसे पांच सब्जेक्ट है, एक में आ गया 99, एक में आ गया 100, एक में आ गया 99, एक में आ गया 100, एक में आ गया 99, तो एवरेज कैसे निकालोगे पांच सब्जेक्ट का? सबको ऐड करके क्या करोगे? तो ये एवरेज हो गया। तो एवरेज ऐसे निकालते हो। मोड क्या होता है? सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है, जो ज्यादा बार आया है 99, तो 99। और मीडियम क्या होता है? जो बीच में आता है। लेकिन बीच में वो डाटा लेकिन ऑर्डर में अरेंज रहना चाहिए, तभी बीच वाला देखा जाता है। तो इसको ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो कौन है बीच में, कौन है? तो ये मीडियन हो गया। समझे क्या होता है मीन? क्या होता है? एवरेज। सबको ऐड करो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है मीन। मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो ज्यादा टाइम्स आया है। अब मीडियन क्या होता है? मिडिल डाटा, मिडिल मोस्ट डाटा। तो बस शॉर्टकट में डेफिनेशन लिखता हूं। मीन का एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। मीडियम क्या होता है? मीडियम मोस्ट ऑब्जर्वेशन प्रोवाइडेड, एक चीज प्रोवाइडेड डेटा आर अरेंज इन ऑर्डर। वो ऑर्डर असेंडिंग भी हो सकता है या डिसेंडिंग भी हो सकता है। सर समाप्त है, कोई डाउट होगा तो कल आ जाना, ठीक है। तो डाटा अरेंज कैसे हो सकता है? असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर, सीधा ऑर्डर में होना हमने लिखा है। असेंडिंग में भी कर सकते हो, डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, यही होता तीन चीज और कुछ नहीं होता ये। समझे? मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, ये सबको क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। अब लिखो, इतना लिखो पहले, बात करते हैं। आपका मैथ्स का एग्जाम कब है? तो मीडियन निकालते समय डाटा हमेशा ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी एक। अब देखो
अब डेटा भी ना बहुत दो तरीके का, तीन तरीके का मोस्टली मिलेंगे आपको। एक होगा अनग्रुप्ड डाटा, क्या होगा? अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा या ऑब्जर्वेशन डेटा के की बात। अनग्रुप्ड डाटा क्या होगा? जो ग्रुप में नहीं होगा। जैसे जैसे मान लो आपने पांच सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, सब में अलग अलग नंबर आ गए, तो अनग्रुप डाटा हो गया होगा। दो में 99 आ गए, तीन में 100 आ गए, ये ग्रुप डाटा हो गया। ये ग्रुप में ये 100 एक ग्रुप में आ रहा है, तीन सब्जेक्ट में 100 आ रहा है, 99 दो सब्जेक्ट में आ रहा है, ग्रुप में आ रहा है। मान लो एक में आ गया 99, एक में आ गया 100, एक में आ गया 98, एक में आ गया 97, एक में आ गया 96। तो ये क्या है? हर डाटा एक बार दिया है, इसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा मतलब वो डाटा रिपीट हो रहा बार बार, वो ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं। जैसे मान लो हमने डाटा ले लिया, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ले लिया x1, एक x1 डाटा है, दूसरा डाटा क्या है x2, तीसरा x3 एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ डाटा ले लिया, ठीक है। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे? मीन को किसे एक्स लिया ना, तो एक्स बार से डिपेंड डिनोट करते, कैसे निकालेंगे मीन जल्दी बताओ। फॉर्मूला याद नहीं करना है कभी। मीन क्या बताया मैंने? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ, हां सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो सारा डाटा को ऐड कर दो, डाटा क्या क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, xn सबको ऐड कर दिया, कितने डेटा है हमारे पास, 1, 2, 3 से लेके n, तो ये हो गया मीन। समझ गए? इसको समेशन, इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं समेशन, यहाँ पे लिख देगा एक्स आई एंड आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब है आई को 1 डालो तो क्या आ गया x1, ये सिग्मा का मतलब होता है प्लस, फिर आई को 2 डालो तो क्या आ गया x2, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर आई को 3 डालो तो x3 प्लस डॉट 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 डॉट, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, लास्ट में आई को क्या डालो n, तो इसी को शॉर्टकट में से लिख दो बस सिग्मा और कुछ नहीं, समझा? ये जो चीज लिखा हुआ है और ऊपर वाला चीज एक ही बात है, अपॉन ये n, समझ गए? ऐसे भी समझा भाई, सिग्मा का मतलब कुछ नहीं होता है, छोटा लिख, छोटे फॉर्म में लिखने के लिए होता है, ये मीन हो गया। अच्छा अच्छा, इसमें मीडियन होगा क्या, सॉरी मोड होगा इसमें क्या ना, क्योंकि हर एक डाटा एक एक बार ही आ रहा है ना। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में या कहीं कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा, मोड हमेशा हो कोई जरूरी नहीं है, रिपीट मान लो या रिपीट भी हो रहा है तो तीन चीज सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ गया नहीं, तब कैसे बताएंगे मोड कैसे हो, है ना। तीन डाटा चार बार आ गया तो चारों मोस्ट फ्रीक्वेंट है, तो फिर उस केस में मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझे? और मीन एग्जिस्ट करेगा उसमें, ये मीन हो गया। और मीडियन कैसे निकालोगे इसका, इस डाटा का मीडियन कैसे निकालोगे? हाँ, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसे निकालोगे? n by 2, n by 2 is term, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा टर्म होगा मीन मीडियन, सॉरी nth by 2 टर्म, nth by 2, जैसे मान लो मैंने ले लिया x1 x2 x3 x4 x5, तो बीच में कौन सा होगा? नहीं नहीं, आपने बोला n by 2, 5 by 2 होगा, 5 by 2, 2.5 तो है नहीं, 2 प्लस 2 दोनों का सम होगा, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, वो कैसे निकालेंगे बताओ, हाँ लो ये तो लॉजिक है, बीच में कैसे, बीच में कौन है कैसे बताएंगे? जैसे मान लो नहीं, सुनो जैसे मान लो, सुनो ना,
101 लोग लाइन में खड़े हैं, तो सबसे बीच में कौन है, किस पोजीशन पे मिडल वाला जो व्यक्ति है किस पोजीशन पे खड़ा है? 51 पे खड़ा है। पता है क्यों? 50 आगे 50 पीछे, वो 51 पोजीशन पे हो। नहीं वो समझो ना, वो फॉर्मूला हटाओ, फॉर्मूला बनाना सीखो खुद, वही बता ना, देखते हैं ना, रुको ना भाई। तो पहले तो इसमें सोचो, जो हम पूछ रहे हैं उसका आंसर देने की कोशिश हमेशा ज्यादा करो, समझ रहे हो तो उससे आपका दिमाग ज्यादा डेवलप होगा। जैसे मान लो 11 लोग खड़े, जिसे इसमें नहीं समझ में आ रहा है, 11 लोग लाइन में खड़े हैं, तो बीच में जो व्यक्ति खड़ा होगा उसका पोजीशन क्या होगा, किधर से, पीछे से कि आगे से? दोनों साइड से, तभी तो बीच में है। बीच में होने का मतलब क्या है, दोनों साइड से सेम पोजीशन पे है वो, नहीं? तो कितने व्यक्ति खड़ा है? 11 व्यक्ति खड़ा है, तो 5 लेफ्ट में 5 राइट में, तो छठा व्यक्ति जो होगा वो बीच में होगा, समझ गए? अब 10 लोग खड़े हैं लाइन में, तब बीच में कौन होगा? फिफ्थ आ जाएगा। बताओ समझ के, बताओ। तो कौन सा होगा फिर? नहीं, के पीछे जा रहे आगे, आगे आगे क्या है, आगे 5 तो 5.5 तो पोजीशन ही नहीं है। इस केस में 2 मीटर में रहेगा, 5 और 6 होगा, 4 4 सही बात, 7 8 9 10। जैसे आप लोग इस लग, तो बीच में कौन कौन है आपका? अभी 2 लोग है ना, फिर समझ रहे हैं, तो दोनों लोग बीच में माने जाएंगे फिर। तो जब इवन नंबर ऑफ डाटा रहेंगे तो बीच में 2 लोग रहेंगे, जब ऑड नंबर ऑफ डाटा रहेंगे तो एक ही लोग बीच में रहेगा। ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं, तो मान लो 1001 लोग है तो बीच में कौन होगा? 501, समझ गए? तो मीडियन निकालेंगे, इफ एन इज ऑड, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन मीडियन, मीडियन इक्वल टू कौन सा होगा? एन प्लस वन, सॉरी हाँ, बाई 2 भी होगा, एन प्लस वन बाई 2, इस पोजिशन पर जो ऑब्जर्वेशन रहा होगा वो। और ये तो हमें पता ही है कि डाटा ऑर्डर में अरेंज रहना चाहिए, समझे कैसे है, कहां से है? जैसे 7 लोग हैं तो बीच में कौन लग रहा होगा, फोर्थ पोजीशन रहा होगा। ऐसे पैटर्न्स ऑब्जर्व करो, 3 लोग हैं तो बीच में कौन सा रहा होगा? दूसरे पोजीशन रहा होगा। तो 2 कैसे आए? 3 + 1/2 करके आए। 5 लोग हैं तो बीच में कौन है? 3 कैसे आ सकता है? 5 + 1/2 करके। 7 लोग हैं तो बीच में कौन आएगा? समझ लो 7 + 1 = 8/2 करके आ गया। तो वैसे मान लो 101 है तो बीच में कौन सा आएगा? 102/2 का 51। पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, समझ गए? ओके, अब केस लेते हैं, इफ एन इज इवन, ये सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे खुद सोच सकते हो। अब देखो इवन नंबर ऑफ डाटा है, तो पहले हम ले लेते हैं 4 डाटा है तो बीच में कौन सा है? सेकेंड एंड फोर्थ, हाँ सेकेंड एंड थर्ड है, 1 2 3 4 5 6 डाटा है, तो 4 में कौन सा आया? 2 और 3 आया, और 6 डाटा है तो 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डाटा है तो 4 5 ये दोनों बीच में, समझ गए? पक्का समझ गए? तो पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो? कुछ पूछूंगा भी, सबने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया? बड़े नंबर के लिए पूछूंगा, इसे मैं बता रहा हूँ, सोच लो। यस सर।
तो इसने बताएगी अगर 100 डाटा है तो बीच में कौन कौन सा होगा। समय बताऊं 50-51 घंटा ऑब्जर्व किया आपने, आपने कितना अभी भी सोच रहे होंगे नहीं बोलना चाहिए ना कि नहीं हुआ है सर और समझाइए, एक दो एग्जांपल और दीजिए, छोटे छोटे और एग्जांपल लेते तब जाते बड़े नंबर में है ना। पीटेंगे फिर आप कैसे हुआ 50-51 कैसे हुआ बताओ। नहीं वो नहीं, यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व अभी भी नहीं किया आपने, पैटर्न ऑब्जर्व वैसे थोड़े हर बार देखेंगे, 1000 डाटा है तो सोचते रह जाएंगे फिर तो कितने आगे कितने है ना। सर जो नंबर है उसका हाफ लेंगे और उससे एक ज्यादा लेंगे हमेशा, और अगर n नंबर ऑफ डाटा होंगे तो, और अगर n इवन है तो और n हमने बता दिया इवन सर n by 2 comma n by 2 plus 1 दिमाग नहीं लगा रहे देखो ना, 4 है ना, 4 by 2 4 by 2 और एक उसका अगला 6 है तो 6 by 2 3 उसका एक अगला 8 है तो चौथा 4 by 2 8 by 2 और उसका एक अगला। अगर n डाटा है तो n by 2 को, अगर n इवन है तो n by 2 होगा और एक n by 2 plus 1 ऐसे बात समझे। तो then if n is even तो जो मीडियन निकालेंगे ना तो उसमें दो डाटा आ जाएंगे, फिर तो मीडियन निकालने के लिए उस दोनों का फिर एवरेज ले लेते हैं। जैसे मान लो 7, 9, 8, 5, 15 इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, इसका मीडियन क्या होगा। अच्छा अच्छा उस 8 और 9 8 9 अब बताओ इसका मीडियन क्या है। 9 9 9 अब इसका मीडियन क्या है। 9 और 15 नहीं तो वो तो नहीं, नहीं बीच में वो है, तो मीडियन निकालने के लिए जो बीच में जो दो डाटा है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, उसका एवरेज ले लो, ये रूल होता है। वो तो हम बीच में दो है ये बात सही है, लेकिन मीडियन मीडियन कैसे निकालेंगे, उन दोनों का एवरेज जो दोनों बीच में है, जो दोनों बीच में है, तो ये बीच में है और ये बीच में है, तो दोनों को ऐड करके बाय 2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 9 plus 15 24 by 2। तो इफ n इज इवन तो मीडियन क्या होगा, तो ये n plus 1 by 2 मीडियन नहीं है, ये n plus 1 by 2 एट पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन रहा होगा, जो डाटा रहा होगा वो मीडियन है, समझ रहे हो। ये तो बस उसका लोकेशन है जो कहां पे है, कौन सा नंबर पे है वो डाटा, समझ रहे हो। इफ n इज इवन तो मीडियन क्या होगा, n by 2th observation plus n by 2 plus 1 observation upon, तो n by 2th position पे जो number आएगा that, और फिर उसका next position पे जो number होगा वो, दोनों को add करके 2 से divide करें, समझे बात को, लिखो median। ये अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा मतलब हर एक डाटा एक एक बार ही आया है, दिमाग को ना एक्टिवेट करना पड़ेगा तब समझ ज्यादा आएगा। दिमाग एक्टिवेट पता है कैसे होता है, ध्यान से सुनने में, और कुछ
अपने आप मजा आने लगे, सोचना शुरू कर दोगे, ध्यान से सुनो और दिमाग चलाना शुरू करो। ये तो नाइन्थ में ही पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा होगा और ये सब यहाँ पे यूज भी होगा, इसलिए दोबारा पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा होता कि ये यूज नहीं होता यहाँ पे तो मैं पढ़ाते, अभी करेंगे ना फर्स्ट एक्सरसाइज, वहीं पे ये यूज होगा। ठीक है, मिटा दो इसको। मोड तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हर एक डाटा एक एक बार ही आ रहा है। अब देखो, अब हम बात करते हैं ग्रुप डाटा, ग्रुप ग्रुप डाटा क्या होता है। मान लो एक्स वन है, एक्स वन मान लेते हैं कित ये है डाटा, और नीचे लिखे तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हो कि वो चीज कितनी बारी आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है। तो मैंने मान लिया एक्स वन कितनी बारी आ रहा है, एफ वन टाइम्स आ रहा है, एफ वन की वैल्यू चार, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ वन। एक और दूसरा डाटा एक्स टू, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या ले लो, वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके तरह का कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और ये है एक्स एन डॉट डॉट डॉट, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, समझ गए, पक्का समझ गए। अब मैं क्वेश्चन पुट करूंगा, ये बताओ टोटल डेटा कितना यहाँ पर, कौन कौन बताएंगे, जस्ट रेजर है, टोटल डाटा कितना यहाँ पर, जस्ट रेजर है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने यहाँ पर, ये मेरा प्रश्न, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो पूछना है मुझे। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, यस सर एक्सन आर्यन राज, मैं हैंड रेज करना था, ऐसे आपका आंसर भी गलत है भाई देवे। हाँ जी तू बताओ कितने डाटा, तुम बताओ, एन डाटा नहीं टोटल सर, F1 plus F2 plus F1 plus F1 होगा। मैं जिससे पूछूंगा वो वही बताएंगे, ठीक है, आप बताओ, N डाटा नहीं है, आप बताओ, N सोच रहा था पर गलत था, चलो एक बार और सोच सकते, एक बार मौका देखो, N तो गलत आंसर है, FN भी गलत आंसर है, ठीक है, बाकी लोग लिख के देखो, सर मैं बता सकता हूँ क्या, लिख के भेजो आप इस पे, ठीक है, फोटो खींच के, ठीक है, बाकी लोग बताता है यहाँ पर। सही आप लिखा सही, ठीक है, ये जी है ना, ज्यादा अपनी तरफ से कुछ मत सोचना, जो पहले पढ़ा है वो सब भूल जाना, तो क्या लगा है सर, जो अभी सीखा है वही सब सोचना है, उसको उसमें आप सही, तो तभी तो टाइम दोबारा मौका दिया सबको, भेज दिया आपने, जी सर भेज दिया आपको, मेरे को भेज दिया, सही है सही है सही है, आपका भी सही, आर्यन का भी सही है।
आप दोनों नहीं समझ पाते अच्छे से, आपका भी सही है देखिए। एक पर्दा लगाओ, बस पर्दा को हटाओ है ना, और ज्ञान की आंखों से देखो तब दिखेगा ये। नहीं आपने लिखा है, आप दोनों ने सही नहीं किया, और एक यस ने, यस तुम सोचा फिर दोबारा। सारे विवाह को भेज रहा हूँ मैं, हाँ भेजो जरा देखता हूँ। बस ये बताना है कितने डाटा हैं टोटल, तीन लोग रह गए बस। आपको सर भेज दिया आपको, और दे देता हूँ। हाँ सही है, यस का भी सही, वो लास्ट में अपना गलत लिख दिया हो यस, उसको ठीक करके दोबारा भेजो, बोलना नहीं है, सिली मिस्टेक कर दियो बस लिखने में, तो वो यस ने भी सोच लिया, आप दोनों लगे बस, अब तो इज्जत की साथ है। नहीं नहीं अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक है, दोबारा भी तो वही भेजो यस। अरे सर सॉरी सर, मैं इधर हूँ। अरे नहीं भैया, हाँ सही है, उसका भी सही है, यस का भी सही है। तुम लिखी हो कैसे स्पॉन्सर सिखा, वैसे बता देना आप लोग यार कैसे इनका दिमाग चलेगा बताओ। तो एंड जी कोटे का फीचर था ना, चेस पिन अरे इनका लाभ है, गुड एग्जाम है, चलेगा बहुत अच्छा है, बादाम से ज्यादा से बादाम भी मेरे पास है, उससे भी अच्छा आइडिया है, बड़ी चीजों को छोटे बड़ा कर लेना, जल्दी बताओ छोटे ग्राम इससे दिमाग चलता है, जल्दी बताओ कितने हैं। कितने डाटा हैं टोटल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो एक बार एग्जाम्पल लेते हैं हम, फिर आंसर इसका बताना। सुनो मान लो 180 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और बच्चों 80 आए 7 बच्चों के, ये है मार्क्स, ये है बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 80 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्योंकि 80 मार्क्स 7 बच्चों के आए, 79 नंबर आए हैं 19 बच्चों के, 78 नंबर आए हैं 25 बच्चों के, अब बताओ टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में, किन सपोर्ट नंबर, तो फिर यहाँ पे क्या करना है, बस वही तो है, क्योंकि ये डाटा कितनी बार आ रहा है, F1 टाइम से नहीं, जैसे ये 80 सात बार आ रहा है, सात लड़कों का आंसर नंबर 80 आ रहा है, लड़की भी ऐड हो सकती है उसमें, 79 कितने लोगों का आंसर नंबर आ रहा है, 19 बच्चों का, तो कितने लोग हैं ये तो यहां से ना पता चलेगा, नहीं समझे, इसको ऐड करना सर कैसे मिल जाएगा, कितने लोग हैं समझे थे, कितने डाटा है ये, एक्स वन कितने टाइम्स आया है, एफ वन टाइम्स,
और एक्स ऑफ कितने एफ टू टाइम्स, टोटल डाटा कितने हो गए, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए यहाँ पे एफ वन, क्योंकि एक्स वन जो है ना एक बार नहीं आया है, अगर वो दस बार आया है तो दस काउंट होगा वो, नहीं समझे, मान लो समझे कि नहीं, हाँ जैसे मान लो आपने आइसक्रीम खाने के लिए और एक आइसक्रीम 40 रुपए का है आपने डाइट और आपने 10 आइसक्रीम लिए तो 40 रुपए में नहीं देगा वो 10 बार 40 रुपए देने पड़ेंगे आपको, उसको 400 रुपए देने पड़ेंगे तब देगा वो आइसक्रीम, है ना, तो कितने पैसे 400 काउंट होगा ना कि 40 रुपए में दे देगा वो, हाँ तो एक्स वन डाटा एफ वन टाइम्स आ रहा है, ये अकेला कितना डाटा है पता है, अकेला ये कितना है एफ वन डाटा है, अकेला ये 7 बच्चों का नंबर, समझ लो ऐसे, समझ में आया एफ वन प्लस एफ टू से लेकर के समझे, ये नंबर ऑफ डाटा है। और पूछो कुछ ऐसी कॉमन सेंस का, कितने टाइप के डाटा है, कितने डिफरेंट टाइप के डाटा है, जस्ट रेज योर हैंड, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आर देयर, एन टाइप का डाटा, एक्स वन उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है लेकिन टाइप ऑफ डाटा जैसे जैसे देखा था ना 80, 79 और 78, ये 7 था, ये कितना था 19 और ये तो हम बोले कि बच्चों को क्या क्या नंबर आए हैं बताओ जरा, कितने डिफरेंट टाइप के नंबर आए हैं, 80, 79, 78 आए, उसके 79 आए, उसके 80 आए, तीन ही टाइप के नंबर आए, समझे भाई, पक्का समझ गए, पक्का, अब इसका मीन निकालो, फॉर्मूला नहीं रखना है, लॉजिक से निकालना है, मीन का डेफिनेशन लिखे थे एक लाइन में, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लिख के दिखाओ इसका मीन निकालो, इसका जो हमने ऊपर डेटा दिया उसका निकालना है, हाँ ये जो डेटा है और फ्रीक्वेंसी दी है उसके लिए, इस बार ग्रुप डाटा जो है इसकी मीन निकालनी है, सोच के निकालनी है, अगर पहले से रटा हुआ तो नहीं लिखना है, समझ गए, पहले से अगर रटा हुआ आपने पहले से उसको नहीं लिखना है, मीन का डेफिनेशन चेंज नहीं होगा, मीन का डेफिनेशन फिक्स है, मीन क्या होता है एवरेज, एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो और फिर डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, बस मीन फिक्स है, ये इतना ही होता है और कुछ नहीं होता, हाँ बोलिए सर, डाउट है सर, आप बोल सकते हैं हाँ, एन टाइप का डाटा, एन डिफरेंट टाइप का डाटा है, सर लेकिन एक्स एन टाइप का डाटा है सर, एन दो नंबर ऑफ टाइप ऑफ डाटा है, ये एक्स वन एक टाइप का डाटा है, एक्स टू दूसरे टाइप का डाटा है, एंड सो ऑन, एक्स एन एंथ टाइप का डाटा है, एंथ टाइप, अच्छा हाँ सर, एंथ डाटा एक्स एन है, बात अलग है, नीचे लगा दूंगा सबसे बड़ा डाटा है, उदाहरण ही ले लो ना यार, देखो हम वही उदाहरण लेते जो अभी लिए थे, 80 नंबर आए कितने बच्चों के, 7 बच्चों के, 79 नंबर आए कितने बच्चों के, और 78 नंबर आए 25 बच्चों के, तो हमें इस क्लास कितने बच्चे इस क्लास में 51 तो इन सब का एवरेज निकालना है 51 बच्चों के, अरे बच्चों का एवरेज नहीं निकालना है यार, बच्चों के नंबर का एवरेज निकालना है, बच्चों का एवरेज निकालने का क्या मतलब हुआ है, हाइट का बच्चों का क्या है, बच्चों सर आपको भेज दिया आंसर, बच्चों के मार्क्स का एवरेज निकालना है,
तो कैसे निकालोगे इन सब का एवरेज? एवरेज का फॉर्मूला सेम होता है, एवरेज जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो टेंथ में एवरेज निकाल के लोगों को बताया था वही वाला एवरेज अभी भी है। इस सबको ऐड कर दो और जितने हैं हम उसे डिवाइड कर दो। अच्छा यस ने भेजा है सर, डॉट डॉट नहीं आया बीच में, सर मैंने भी भेज दिया, थोड़ा सा मिस्टेक है। आर्यन राज का सही, इसका एवरेज निकालो ना, कैसे निकालेंगे? किसका एवरेज? इस क्लास का एवरेज मार्क्स बताओ, एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास हैविंग 51 स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे बताओ? पहले मार्क्स को हम प्लस करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहले मार्क्स कितने? 80 लेकिन सीखने की कोशिश करो दिल से, जरूर सीख जाओगे। मैथ इतना सीधा है ना भैया, कोई भी समझ सकता है, इतना सीधा सब्जेक्ट है। तो थोड़ी सी मिस्टेक क्या थी? हाँ रुको एक मिनट, 80 प्लस 79 प्लस 78 डिवाइडेड बाय 51, एवरेज मार्क्स क्लास का 4.64 आ रहा है। तो सारे बच्चे फेल करा दिए इसने, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इस 7 बच्चों के 80 नंबर है, 19 बच्चों के 79 नंबर है, 25 बच्चों के 78 नंबर है, तो एवरेज मार्क्स 4 नंबर आ जाएगा। नहीं बताओ कैसे निकालेंगे सर? 7 प्लस 19 प्लस 25, हां वो तो हो गया टोटल स्टूडेंट्स, हो गया 51 अपॉन 51 अपॉन 40 अपॉन में 40 नो अरे भैया देखो ना, तुम तुक्का मत मारो ना। एवरेज क्या होता है? बस एवरेज होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो सारे मार्क्स को ऐड कर दो और अपॉन कितने बच्चे हैं वो ऐड कर दो। तो सारे मार्क्स को ऐड करो, सारे मार्क्स को ऐड करो, कितने मार्क्स है टोटल सारे बच्चों को? 51 बच्चों के मार्क्स को ऐड करो, एक बच्चों के नहीं, टोटल कितने बच्चे क्लास में? 51, तो 51 बच्चों के नंबर को ऐड करना पड़ेगा ना। 51 बच्चों के नंबर ऐड करने हैं बे, कितने बच्चे हैं क्लास में? 51। हाँ 51 बच्चों के नंबर मिला के इतने ही होंगे, 237 ही होंगे। 51 बच्चों से मिल के 237 नंबर ही लाए हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो वो ये तो देखो ना, तो ये 80 प्लस 80 80 ये वो आइसक्रीम वाली बात है ना, 7 बच्चों ने 80 रुपए वाला आइसक्रीम खाया तो कितने रुपए देने पड़ेंगे फिर? तो 237 में बेचारा आइसक्रीम वाला दिख जाएगा फिर तो। उसको ऐसे कैलकुलेशन दिखा रहा है आपका ये हुआ हिसाब किताब लो। नहीं समझा? सुनो ना यार, करेंगे कैसे वो छोड़ो ना। देखो तो ये जो 80 जो नंबर है ना, एक बच्चे का थोड़ा ना आ रहा है। 80 प्लस 80 कितने बार करना पड़ेगा? तो उसको 7 × 80 भी लिख सकते हैं। अब समझे कैसे करेंगे उसको बार बार नहीं ऐड करने से? मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन, बार बार ऐड करने को तो मल्टीप्लाई बोलते हैं। प्लस क्या होगा? 19 × 79, क्योंकि 79 बच्चों के नंबर आ गए प्लस। अब ये जो ऐड करे हो ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये 51 बच्चों के टोटल मार्क्स हो जाएंगे,
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बच्चे, कितने बच्चे समझे? यहाँ भी वही पढ़ने लगेगा, ये मान लो ये नंबर है उसके और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो क्या होगा इसका एवरेज? क्योंकि x1 एक बार एक नहीं आ रहा है, f1 नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, हो जाएगा fi सॉरी f1 x1 प्लस f2 x2। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा दसवीं में, नहीं ये देखो कितना कहां से भी आया है, बहुत बेसिक से आया है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बच्चे। देखिए कहां से आया फॉर्मूला, डेफिनेशन से है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको इन शॉर्ट पता कैसे लिखेंगे, सिग्मा फिक्सी एफ आई एक्स आई एंड आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन। तो सिग्मा का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब होता है प्लस और कुछ नहीं होता है। तो पहले आई को वन से शुरू करेंगे तो एफ वन एक्स वन हो जाएगा, और सिग्मा मतलब फिर बी से प्लस आ जाएगा, फिर आई को टू डालेंगे तो एफ टू एक्स टू हो जाएगा, सिग्मा मतलब फिर बी से प्लस आ जाएगा, फिर आई को थ्री डालेंगे तो एफ थ्री एक्स थ्री हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लास्ट में आई को क्या डालेंगे एन, तो क्या हो जाएगा? नीचे क्या ले सकते हैं, सिग्मा एफ आई आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन, इसका मतलब यही है एफ वन प्लस एफ टू एंड सो ऑन। समझे कहां से आया कॉमन सेंस है, लिखो इसको। समझ रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टैट्स, ऐसी बात नहीं। जैसे मान लो जो लोग स्टार्टअप करते हैं ना, मान लो आप कोई कंपनी स्टार्टअप करो, जैसे सिलिकॉन वैली का नाम सुना आपने, कहाँ पे? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। तो वो वहाँ पे जो कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति होते हैं पढ़े लिखे, वो कंपनी स्टार्ट करते हैं, उनके पास उतना पैसे नहीं रहते हैं, तो पैसे कहाँ से आते हैं? एलन मस्क के पास उतने थोड़े ना पैसे थे, वो उसने क्या दिया, अपना आइडियाज पूरा कैलकुलेशन करके पूरा स्टैट्स बना दिया और फिर वो मार्केट में दिया, सबको लगा कि ये रियलिस्टिक है, फिर लोगों ने उस पर पैसे इन्वेस्ट किए, फिर वो कंपनी बन गई। समझ रहे हो, वो ये बता देगा कि 10 साल बाद कहां पे जाएगा कंपनी पूरा कैलकुलेशन करके। आप भी कर सकते हो, आपने जैसे मान लो टारगेट बना लिया कि मुझे 100 करोड़ जमा करना है, तो सोचो कैसे 100 करोड़ जमा कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे अगर आप 1 लाख रुपए महीने का जमा करोगे 25 साल तक, तो 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। समझ गए? और इसलिए आपने डाला होगा कितना, पता है कितना? ज्यादा नहीं डाला होगा, कितना डाला होगा 25 साल में? 25 × 12 = 1 लाख। अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किए, 100,000 जमा किए फॉर 25 इयर्स, 3 करोड़ नहीं, 3 करोड़ आपने जमा किया है और हो जाएगा 100 करोड़ से ऊपर, इन्वेस्ट करके बाय कंपाउंडिंग इफेक्ट से। अगर मैं वो अभी तक जो मार्केट स्टार्ट हुआ है ना, तब से जब से म्यूचुअल वो जो होता है ना स्टॉक मार्केट एंड ऑल, 12% लॉन्ग टर्म में 12% से कम रिटर्न नहीं दिया है। 12% पे 100 करोड़ हो जाएगा, 18 पे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैंने मिनिमम लिया है 12 से 18, हम इससे कम नहीं आया कभी भी लॉन्ग टर्म। तो लोग ऐसे अमीर बनते हैं सोच के, ऐसा नहीं कि वो भगवान उसको पैसे दे के भेजते हैं ऊपर से खुद ही कमाते हैं वो दोस्त, नहीं जैसे एलन मस्क ने सभी अभी सबसे ज्यादा अमीर है, तो वो थोड़ा खुद ही बनाया, वो अभी दिमाग लगाया जो भी है, मतलब थोड़े ना भगवान ने उसको बना के भेज दिया ऊपर से, खुद आइडिया लगाते हैं। समझे, हम लोग पैसे बनाने के तरीके सीख रहे हैं कैसे पैसे बनाएंगे। उसके लिए देखो
हम ये एग्जांपल देते हैं बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, तो मुझे कॉमर्स का उतना आइडिया नहीं, जो जेई की तैयारी करते हैं ठीक है, अगर वो एनआईटी तक पहुंच जाते हैं, एनआईटी या एनएसयूटी तक पहुंच जाते हैं, आईआईटी की बात भी नहीं कर रहा हूं, या डीटीयू तक पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर जो एवरेज आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो एवरेज पैकेज जो है ना 24 लाख के आसपास लग जाती है, तो वो 25 साल बाद 100 करोड़ कमा लेगा। अगर किसी का स्टार्टिंग जॉब 20 या 24 लाख से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो 100 करोड़ बना लेगा। लेकिन किसी का स्टार्टिंग मान लो 10 लाख की जॉब है, तो वो नहीं बना पाएगा, वो 50 साल में भी नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि इतना तो खर्च ही हो जाएगा उस पर, गाड़ी रहेगा, घर रहेगा, ना और यही बचा पाएगा और यही इन्वेस्ट कर पाएगा फिर नहीं बचेगा, तभी तो इन्वेस्ट करेगा भैया, खर्च ही हो गया सारा, तो कहां से इन्वेस्ट करोगे? खर्च अपनी लाइबिलिटीज भी तो है, बच्चों को पढ़ाना है, घर है, गाड़ी है, ना और तो अगर इतने की जॉब लेते हो ना, तो आप 12 लाख खर्च कर दिया, 12 लाख बचा लिया साल का, फिर आप 25 साल में 100 करोड़ बना लोगे मिनिमम, उससे ज्यादा भी बन सकता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बन गया तो। समझ गए? इन्फ्लेशन को बीट कर देगा ये, इन्फ्लेशन जो होगा ना 7-8 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो समझे? आप कोशिश करो कितना का पैकेज ले लो, कम से कम चाहे कहीं से भी ले लो, यही चीज तुम सेम काम करो 10 साल के लिए, तो बहुत कम बनेगा ये देखने में। आपने सुना नहीं किंग का स्टोरी? किंग का स्टोरी सुना है बहुत पहले, जैसे ये 64 में ये होते हैं ना, 8x8 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको अपनाना लाइफ में। आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एकदम इतने अमीर बन जाओ कि कुछ हमें भी दे जाओ। सर ने कुछ आइडिया दिया था, सर को कुछ डोनेट कर देते हैं, मैं भी कुछ चैरिटी कर दूंगा बच्चों के लिए, 1, 2, 3, 4, 6, 7 ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, इसको डबल करते चले जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, और यहाँ पे 6, बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा? ज्यादा की नहीं आता, 2 की पावर कितना आएगा बता सकते हो कोई? 63, क्योंकि 2 की पावर 0 है, देख लो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, तो 64 है, 2 की पावर 63 हो जाएगा ये, क्योंकि एक जीरो से शुरू हो रहा है ना इसके, ये बहुत बड़ा नंबर होगा, इतना बड़ा नंबर होगा आपका कैलकुलेटर मोबाइल में दिखा भी नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ तक आप 10 साल तक बहुत कम ही होगा, बहुत बड़ा नंबर है ना, कितना है बता दो, पढ़ो 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 जरा, कितना है नंबर बता बस, 9 9 2 9 2 9 2 3 7 2 0 3 0 3 6 8 5 4 5 4 7 7 5 8 5 8 0 8 0 8 बताओ कितना है? 2 4 नंबर साथ में, दस खरब तो यहीं तक हो गया, खरब समझते हो, 10 खरब यहाँ तक हो गया, अब खरब के बाद क्या होता है हमें पता ही नहीं है, करोड़ तो बहुत इधर ही खत्म हो गया था, करोड़ के बाद होता है अरब, अगर 100 करोड़ करोगे ना तो 1 अरब हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाएगा, तो देखो, लेकिन आप यहाँ तक निकालो 10-15 तक तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, वो हर बार जैसे आप इन्वेस्ट करते हो ना, जैसे आपने अपने स्टार्टिंग में कर दिया 100,000, फिर वो 10, फिर वो अगले साल उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, फिर उस पर कंपाउंडिंग होगा, फिर उस पर कंपाउंडिंग होगा, फिर उस पर कंपाउंडिंग होगा, उससे ज्यादा बढ़ जाता है,
समझ रहे हो कंपाउंडिंग इफेक्ट वाला है, लॉजिकल है, क्या लॉजिकल है, ये वाला एग्जांपल है। हां ये किसमें 100% रिटर्न इजी के लिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि 10 साल तक करोगे तो ज्यादा नहीं होगा, 10 खाने पर जब ज्यादा नहीं हो पाएगा तो देखो कितने 1024 लेकिन ये 64 times ज्यादा कितना बड़ा हो गया है, ये कैलकुलेशन सिखा रहे हैं कि नंबर ऑफ इयर्स कितना मैटर करता है। अरे भैया ठीक है जाओ यार, ठीक है रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ देख लेना समझा। तो आप कोशिश करो कि स्टार्टिंग जॉब भी अच्छी दे दो, तो आप बहुत बिलियनरी मिलियनर बन जाओगे लाइफ में, बाद में बढ़ेगा तो फिर कितना जब बूढ़े हो जाओगे तब तक कितना तक जमा करोगे, फिर जमा करके किसके लिए करोगे, आपका बच्चा एंजॉय करेगा फिर आप एंजॉय नहीं कर पाओगे उस पैसे को। फॉर्मूला समझ में आएंगे, ये देख लिया सब नीचे नीचे भी लिखा था सिग्मा वो भी लिख लिया, अब समझ गया तो दिमाग लगा के बताओ इसका मीडियन कैसे निकालेंगे। यही ये लेते हैं वही नंबर ले रहे थे, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा ना, 80 क्या 79 और 78। 80 कितने बच्चों के नंबर आए थे, 7 बच्चों का, 79 बच्चों के, 78 तो बताओ तो मीडियन कितना है इसका, इसका इसका बता देंगे तो वो भी दिमाग चल जाएगा कुछ। मीडियन वाले क्या बता दिया, हाँ मीडियन का मतलब है जो मिडिल मोस्ट डाटा है, मिडिल में जो डाटा है वो क्या है, मिडिल पोजीशन नहीं बताना है आपको, समझना है क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे ऐसे 80 कितनी बार लिखोगे, 60 बार तो 51 तक इसमें लिख भी नहीं पाओगे, तो टोटल डाटा कितने हैं 51 डाटा है, तो बीच में कौन सा डाटा आएगा 26 डाटा है, इतना टाइम लगा रहा है मीटेंगे बहुत ज्यादा फिर दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। टोटल डाटा कितने हैं 51 है, तो बीच में कौन सा डाटा आएगा 26। तो फर्स्ट डाटा के कौन है बताओ, फर्स्ट डाटा कितना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं अगर तो इसमें ले रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब फर्स्ट डाटा कौन सा है, सेकंड दिमाग सब में होता है उसको ना डोज देना पड़ता है थोड़ा समझ है ना, तो 20 78 ऐसे लिखते 25 बार तो यही आ जाएगा, तो 26वां जो डाटा होगा 79 से शुरू होगा, समझे समझ गए, तो 30th डाटा कौन सा होगा, 30वां डाटा 30th। अरे बिना कैलकुलेशन किए बता सकते हैं यार, कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है,
आप बता देखिए, आप ये भी समझना शुरू, आप या फिर आ गया वैसे नलायक दिमाग ही नहीं लगा रहा नहीं। 26 से लेकर के और 19 नंबर तक आगे जाएंगे ना, तब तक वो 79 ही रहेगा, समझ गए? सोच लो पहले, फिर एक और पूछेंगे। सर 79 है ना? हाँ। 44th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? जस्ट रेज योर हैंड ऑल। 44th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 44th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 44वें नंबर पे जो डाटा आएगा वो डाटा कौन क्या रहा होगा? गलत होगा तो कान के नीचे बजा दूंगा, सोच लो पहले बता रही मैंने। बजाने वाला सोच लो, तब इतना मानोगे कि दो दिन तक सुनाई नहीं देगा आपको फिर। कैसे देख रहे हैं? एक कैलकुलेशन करो ना, दिमाग लगाओ, ऐसी बात नहीं। देखो दिमाग का जो सीसी है ना, सबका बराबर होता है। नहीं, किसी ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जैसे जो हम लोग का जो दिमाग होता है, जैसे हर मशीन का सीसी होता है ना, वैसे दिमाग का सीसी सबका बराबर ही है। सीख लिया, दिमाग लगा लिया सर, ये 100 करोड़ बना लेगी। नहीं समझ में आपको, ये समझाने वाली चीज है ही नहीं, समझाने वाला हो गया, अब सोचने वाला काम है, समझ लो। सोचने के लिए आपको खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा, अंदर से, दिल से, दिमाग से, है ना? आगे सुन, आगे आपको आगे समझ लो। तो 45th डाटा पता कौन सा है? थैंक यू, गुड। वो समझ रिस्पॉन्स से पता चल जाता है कि समझ आ गया, इसको सिखा देना, ठीक है? समझ गए तो इसका कैसे निकाला जाएगा फिर? समझ गए ऐसे डाटा का ऐसे कैसे मीन निकाल मीडियन निकालेंगे, समझ गए? वो क्वेश्चन से ही कर लेंगे, इसका फॉर्मूला नहीं बना रहे, कुछ फॉर्मूला ऐसे बना नहीं पाएंगे यहाँ पे, ठीक है? अब देखो, एक नया चीज सिखाएंगे आपको, दो ही नया चीज सीखना पर 11th बस, बाकी 9, 10 पहले का ही यूज होगा। उसे कॉपी देगा कोई? अब देखो ये बताओ, जैसे मान लो किसी का आपके स्कूल में जो मैथ्स टीचर है, उनसे प्रिंसिपल ने पूछा कि इस मैथ्स टीचर से आप बताओ कि आपके क्लास का एवरेज मार्क्स क्या है, क्योंकि उसको अपना रिजल्ट अच्छा करना है, स्कूल का नाम ज्यादा रोशन करना है। तो उस प्रिंसिपल ने पूछा मैथ्स टीचर से, क्लास टीचर से, कि सर या मैडम ये बताइए आपकी क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है, कितना मान लें? 17 आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 40 सर माना इतना ही होगा, 75% आ गया आउट ऑफ 100। ये एग्जांपल है बे, समझ गए? 75% आ गया। तो क्या प्रिंसिपल मैम ये मान ले
कि सारे बच्चे पास हो गए होंगे? नो सर। नहीं नहीं मास्टर, हो सकता है कुछ फेल कर गया हो। एक बार तो हो जाएंगे ना, जो हाँ हम माना है वो सही नहीं भी हो सकता है। या मान लो 30-55% आ गया, तो ये मान ले कि सारे बच्चे पास हो गए, क्योंकि कुछ फेल हो गएंगे, कुछ टॉप मार लिए होंगे, फुल डाल के फिर एवरेज बन गया होगा। तो सिर्फ एवरेज से भी काम नहीं चलता है, उतना आइडिया नहीं ले पाएगा, तो हम एवरेज से भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, पास वो एलिमेंट में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? तो उसका नाम है मीन डेविएशन। फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, समझ गए? बस सुनते जाना कि ये चीज होता क्या है। अभी बस हम नाम बोल रहे हैं, क्या होता है बताएंगे। मीन डेविएशन नाम की एक चीज आती है, ठीक है? तो मैम ने ये बोला प्रिंसिपल, तो वो तो अभी आइडिया नहीं लगेगा। फिर इनसे ये भी पूछ ले कि आप डेविएशन बताओ कितना है। डेविएशन का मतलब है कि हर एक बच्चे का जो नंबर है ना, मीन से कितने के डिफरेंस पे है, मीन से कितने के डिफरेंस पे। हाँ, तो डेविएशन बता दिया उन्होंने 3 का, तो मोर लाइकली आप सब पास हो रहे हैं। मतलब इसे 3 ऊपर 3 नीचे जा सकता है, समझे? ये फैक्टर पता होने से हम डाटा के बारे में और ज्यादा एक्यूरेट जानकारी ले पाएंगे, नहीं समझे? अभी भी कोई काम फेल हो सकता है, क्योंकि ये जो डेविएशन है ना, हर एक मीन डेविएशन है, डेविएशन का भी मीन है। कैसे है बताता हूँ, समझाता हूँ। जैसे मान लो डाटा है x1 x2, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा, बहुत बच्चों वाली चीज है ये। 7th के बच्चों को भी समझ में आ जाता, मैंने समझा के देखा है, समझ गए? सच में समझा के देखा है? नहीं बस। ये क्या है? डाटा है, सुनो, ये ऑब्जर्वेशन है, डाटा है या ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। और इसका मीन निकालना तो 6 जानते हो ना, इसका मीन मान लेते हैं x बार आ गया 100 लेके, x बार क्या आ गया 9। और मीन निकालने आपको आता है, वो हो चुका है चैप्टर का मीन का। अब देखो, अब हम निकालेंगे डेविएशंस। डेविएशंस क्या होता है ये बताते हैं। हर एक डाटा को देखा जाएगा कि मीन से कितने के डिफरेंस में, समझ लो। मान लो ये पहले बच्चे का नंबर है और ये एवरेज नंबर है, तो पहले बच्चे के नंबर और एवरेज में कितने का डिफरेंस है, तो कितने का डिफरेंस है बताओ। सर पे कॉफी डाल दूंगा, फिर दिमाग तेज चलेगा, गर्म हो जाएगा दिमाग। नहीं बहुत जल्दी बता दो, एक्स पर माइनस एक्स, समझ गए? अभी डालने से पहले इतना ठीक हो गया। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना? अच्छा ये बताओ, 75 में और 80 में कितने का डिफरेंस है कि माइनस फाइव का? फाइव। जब डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो उसका मॉड लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं उसका, समझ लो। इसमें 5 का ही डिफरेंस है, माइनस 5 का नहीं। हम ये थोड़ा ना बोले 75 - 80, बोला मैंने, ये नहीं बोला मैंने, मैंने बोला इसमें कितने का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस की बात करें तो क्या लेंगे उसका, अगर माइनस में आ रहा है तो मॉड ले। तो यहाँ पे डेविएशन क्या है, एक्स वन माइनस एक्स वन, अगर निगेटिव आ रहा हो तो यहाँ पे मॉड लगा लेंगे। फिर डिफरेंस की बात करें तो वो माइनस नहीं लेते, प्लस ही लेते हैं। अगर माइनस आ जाएगा तो उसको प्लस कर देंगे, मॉड ले लेंगे। बस ये पहला डेविएशन है। दूसरा डेविएशन क्या होगा, मतलब दूसरे बच्चे का नंबर और मीन में कितने का डिफरेंस है, एक्स टू माइनस एक्स बार के मॉड का डिफरेंस, एंड सो ऑन। एक और लिख देते हैं एक्स थ्री, तीसरे बच्चे और मीन में कितने का डिफरेंस है,
एक्स बार एंड सो ऑन। आखिरी बच्चे का नंबर कितना है एक्स एन, तो इस बच्चे के नंबर में और मीन नंबर में कितने का डिफरेंस है, ये डिफरेंस यही होता है, ये है डेविएशन। डेविएशन समझना है क्या होता है, क्या हर एक डाटा का डिफरेंस कहां से मीन्स। सर आपने पहले में एक्स वन बार लिखा है या एक्स बार होगा, एक्स बार होगा, समझ गए, ये क्या हो गया डेविएशन। अब मीन डेविएशन पता क्या होता है, डेविएशन तो मीन होता है बस, हो गया। मीन डेविएशन क्या होता है, मीन ऑफ डेविएशंस। मीन डेविएशन क्या होता है, मीन होता है, एवरेज होता है किसका, डेविएशन का। और डेविएशन क्या होता है वो समझा दिया हम, हर एक डाटा का मीन से कितने का डिफरेंस है, ये पहला डेविएशन है, दूसरा डेविएशन है, ये तीसरा डेविएशन, ये सब डेविएशन है किसका, हर एक डाटा का फ्रॉम मीन, मीन से कितने का डिफरेंस है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, मीन डेविएशन बताओ कृष्ण रोहित, ये पहला डेविएशन, डेविएशन का ये पहला डेविएशन है, दूसरा डेविएशन कौन सा, ये क्या है तीसरा डेविएशन, बोलेगा नहीं जिसमें पूछेंगे, और सारे डेविएशन का मीन निकाल तो सारे डेविएशन को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई एक्स बार y बार z बार ऐसे सोचोगे तो चपरासी का भी नौकरी नहीं लगेगी, ऐसा होता है चपरासी भी सोचते हैं, दिमाग लगाओ यार, ऐसी कुछ भी तुक्का लगाएगा अगर समझ में की कोशिश नहीं कर रहा तो यार सबसे समझाया जा रहे हैं, हर एक बच्चा को समझा समझ आ रहे हैं, इसको भी आगे समझ में बताओ किसका आंसर, सोच लो पहले, देखो कुछ है ही नहीं, एवरेज केस एवरेज ही तो है ही है और कुछ नहीं है, किसका एवरेज है डेविएशन का, मीन डेविएशन इज मीन ऑफ डेविएशन, हाउ मेनी डेविएशन आर देयर, एंड डेविएशन देखा चपरासी की नौकरी में इस्तेमाल चल गया, समझे, क्योंकि ये पहला डेविएशन है, दूसरा जितने डाटा है उतना डेविएशन होंगे, नहीं ये पहले डाटा का डेविएशन है, ये दूसरे डाटा का, तो जितना डाटा रहा होगा उतना डेविएशन रहा होगा, ये है डेविएशंस अपॉन नंबर ऑफ डेविएशन, ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला, इसमें क्या याद करने की जरूरत है, बस ये पता होना चाहिए कि डेविएशन क्या होता है, अब मीन आपको पहले से पता क्या होता है, एवरेज होता है, ये है मीन डेविएशन अबाउट, किसके अबाउट है ये मीन, आपने जो डेविएशन कैलकुलेट किया हर एक डाटा का किससे कैलकुलेट किया डेविएशन मीन से, समझ गए, एक होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में निकालने के लिए आता है कभी कभी, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि लेट मीडियन को मान लेता हूं, मीडियन की वैल्यू ले लिया एम कैपिटल एम ले लिया, जैसे मीन को एक्स बार लिया ना वैसे मीडियन को क्या ले लिया एम ले लिया, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होगा, तो इस बार जो डेविएशन है किसके अबाउट निकाला जाएगा मीडियन से, तो इस बार डेविएशन कैसे होंगे, पहला डेविएशन क्या होगा बताओ, कनेक्शन बीच में टूट जाने लगता है, चलो इसको लिखो, इसका फॉर्मूला खुद लिख के दिखाओ, ठीक है पहले उसको लिखो और फिर इसका फॉर्मूला खुद लिख के दिखाओ,
सब बार आपने मीडियन को तो अच्छा ठीक है नहीं सर एस्टास इको में भी यूज होता है सब भेज दिया सही है गुड यस कोई पहले दिमाग नहीं लगाता था उसको बहुत आप लगाना शुरू कर दिया उसने दोस्तों मैं आपको ही बहुत दे रहा हूं बट आप लगा ही नहीं रहे हो एग्जैक्टली कुछ है ही नहीं अबाउट उसके रिस्पेक्ट में निकाला गया बस लिख लिया देखो तो चेक कर लो सही लिखा उसने सर भेज दिया सही है गुड यहाँ पे स्मॉल लिखा अब ठीक है तो सही है मैं आप लोगों ना दिमाग को इग्नाइट करके छोड़ूंगा एकदम नहीं नहीं ऐसे ही ऐसी मोटिवेशन कभी कभी डिमोटिवेशन कभी कभी बेइज्जती कभी कभी इंस्पिरेशन इसी से इन लाइक इट सर आप बार बोर्ड लगाते हैं यार दर्द को घोड़ा बनाते हैं नहीं देखियो नहीं चाहता दिमाग का सीसी सब का बराबर ही होता है ये साइंटिफिक फैक्ट है जो एवरेज सबका लगभग सीसी सेम ही रहता है मतलब सब उतना काम कर सकता है भगवान ने मतलब ये ज्यादा ना इंसाफी नहीं की है सबको बराबर देखे बैठा है पावर कितना है स्टेमिना हमारे यूज करने पे या हम कहीं गलत जगह लगा देते हैं कभी बार पैसा भी हो जाता है अरे कुछ नहीं है यार ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट मत करो देखो यहाँ पे जो डेविएशन निकाला गया किसके अबाउट निकाला गया है मतलब हर एक डाटा को माइनस किया गया है मीन के साथ यहाँ पे कुछ नहीं करना हर एक डाटा को माइनस करना है मीडियन के साथ और क्या है हमें डेविएशन निकालना है किसके अबाउट मीडियन के अबाउट तो हम देखेंगे पहला डाटा में और मीडियन में कितने का डिफरेंस यहाँ पे हमने क्या देखा था पहले डाटा में और मीन में कितने का डिफरेंस ये हम पूछ रहे हैं ना क्या होगा बताओ पहला डेविएशन क्या होगा एक्स वन माइनस एम हो जाएगा बस यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मीन से नहीं निकालते किसे निकाल रहे हैं
मीडियन से निकाल रहा है, बस इतना ही तो फर्क है इसमें और उसमें। वहां से x1 में से मीन माइनस किया था, यहां पर x1 में से मीडियन माइनस करता है, क्योंकि ये जो डेविएशन है अबाउट मीडियन है, इसलिए डेविएशन कंपेयर किया जा रहा है किसके किससे, मीडियन से, बस इतना ही। प्लस क्या होगा नेक्स्ट, मीन की जगह पर मीडियन से डिफरेंस निकाला जाएगा, बस इसमें इतना टाइम लगा देगा आपको। अपॉन क्या होगा प्रश्न, नहीं होगा क्योंकि जितने डाटा होंगे उतने डेविएशंस होंगे, एन डाटा है तो एन डेविएशंस होंगे। सर हमने ये मीन डेविएशन अनग्रुप डाटा का निकाला है। हाँ अनग्रुप डाटा का निकाला है ये, तो क्योंकि डाटा क्या है अनग्रुप है। सर फिर ग्रुप डाटा कैसे निकालेंगे, समझ गए। हाँ ये किसका, ये अनग्रुप डाटा का, क्यों है अनग्रुप डाटा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, मतलब x1 हमने माना एक ही बार आया है, x2 एक ही बार आया है, एंड सो ऑन, लिख लिया यहाँ पर पक्का लिख लिया, सोच लो। अब मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दे दे रहा हूँ सर, और देखो मीन डेविएशन कुछ नहीं होता, मीन ही होता है, एवरेज ही होता है, किसका एवरेज होता है डेविएशन का। तो हमने ग्रुप डाटा का एवरेज निकालना नहीं सिखाया, सिखाया ना ग्रुप डाटा का एवरेज नहीं सिखाया, तो फिर तो इस बार जो डाटा है डेविएशन से बस इतना ही फर्क है। पहले ये नंबर्स का, ये नंबर्स है और ये डेविएशन, तो फ्रीक्वेंसी इसका दे दिया f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn। अब बताओ इस तरह मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होगा, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा। MD समझते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, मीन डेविएशन ब्रैकेट में ऐसे लिख रहा है अबाउट, इसका मतलब है मीन डेविएशन अबाउट मीन, MD ब्रैकेट में लिखा आएगा या मीडियन, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीन डेविएशन इज नथिंग बट मीन ऑफ डेविएशंस। इसका फॉर्मूला लिख के दिखाओ सब, अभी बस क्या किया इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी है, जो जो सही करेंगे उसको उनको छुट्टी मिल जाएगा, जो जो नहीं करेंगे उनको और पढ़ाएंगे दोबारा से सारा पढ़ाएंगे। सर इसमें मीन में निकालना होगा ना कि मीन एक्स बार नहीं, मीन हमने मान लिया कि एक्स, मीन निकालना सीख गया ना। यस सर, मीन क्या है एक्स बार है और मीडियन को मैंने एम मान लिया, उसकी वैल्यू निकाल ली जाएगी, वो आपको आ गया पहले से निकालना। ओके सर, मीन कैसे निकालते हो हम, तो मीन हमने मान लिया एक्स बार है और मीडियन मान लिया कैपिटल एम। सो मीन डेविएशन क्या होता है, वहां पे लिखा हुआ है मीन ऑफ डेविएशंस, एवरेज होता है डेविएशन का, लिख लिया आपने डिनोमिनेटर कुछ नहीं, वो एवरेज ही निकालना कुछ नहीं। X1, X2, X3 का एवरेज नहीं निकालना है, किसका एवरेज निकालना है डेविएशन का, बस इतना ही फर्क है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ट्राई अच्छा किया है, लिटिल बिट में मिस्टेक है, ताकि नॉमिनेटर में नॉमिनेटर में दिक्कत है। About me, आपने भी सेम ही मिस्टेक किया है, इनका बताया भाई क्यों नहीं किया, सेम ही चीज दिखा होता है। नहीं मैंने इसमें वो भी लिखा है, आप सब ने एक ही मिस्टेक किया है तीनों ने, मैंने ये भी अलग लिखा था, चारों ने एक ही मिस्टेक किया है, पांच सब अलग मिस्टेक है, आप चारों ने एक मिस्टेक किया है, इन्होंने भी मिस्टेक किया था, अलग मिस्टेक। पता क्या है, आप ज्यादा सोच रहे हो, बस तुक्का मत मारने की कोशिश करो, सही होता है। आप पांचों का सेम मिस्टेक अभी आ रहा
मुझे लगा आप लिखिए डल कर आपका बिल्कुल सही थैंक मीनिंग निकाल रहे हैं ये खत्म हो चुका है डेविएशन का मीन निकाल रहे हैं इसका मीन निकाल रहे हैं डेविएशन का बस यहाँ पे ग्रुप डाटा है बस और कुछ नहीं है अच्छा अच्छा समझ गया आएगा ही समझ क्यों क्योंकि मैंने समझाया है लेकिन कृष्णा को कभी नहीं तुक्का मत मारो कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ वही फॉर्मूला हो गया पहले जो था आर्यन राज ने भी वही मिस्टेक किया है ये मिस्टेक सबका कॉमन आ रहा है एक दो तीन चार पांच छह लोगों ने सेम मिस्टेक किया यार कमाल का मिस्टेक हो रहा है मतलब मिस्टेक्स भी कॉमन होते हैं काफी देखो जी पहले क्या निकालता है पहले हम निकालते हैं सुनो बच्चों जिसका नया आंसर आया देखो जरा आप भी देखो इसका अभी का वो भी देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल रहा है किस किसका मीन डेविएशन निकाल रहा है नहीं मीन सॉरी मीन डेविएशन तो मीन डेविएशन ही होता है मीन निकाल रहा है किसका मीन निकाल रहा है डेविएशन निकाल और डेविएशन किसके अबाउट तो पहले सारे डेविएशन निकालो ना तो पहला डेविएशन क्या होगा अबाउट मीन पहले लिखो ऐसे एग्जाम में पहले ऐसे ही लिखा पड़ता है पहले डेविएशंस लिखेंगे डेविएशंस क्या होगा जल्दी बताओ तेज से अबाउट मीन वन माइनस x बार मॉड ये सब डेविएशन है पहला डाटा माइनस मीन कॉमा दूसरा डाटा माइनस मीन ये सब डेविएशन है एक्स एन माइनस और इसका मीन निकालना सब कुछ नहीं इसका मीन निकालना है डेविएशन का मीन निकालना तो किसका डेविएशन निकालना है इसका सॉरी इसका मीन निकालना है तो ये जो डेविएशन है कितने टाइम्स आ रहा है डेविएशन ये फोर टाइम्स आ रहा है ये डेविएशन आ रहा है फोर टाइम्स होगा f1 mod x1 minus x bar अब ठीक करो उसको थोड़ा ऐसे देखो अच्छा अंदर ही f into कर दिया है ये बाहर करो f1 से into करेंगे किसको ऐसे वो सही है और अंदर भी कर दिया तो गलत नहीं है पर ऐसे लिखना समझे क्योंकि ये पार्टिकुलर डेविएशन जितनी बारी x1 आया होगा उतनी ही बारी ये डेविएशन भी आया होगा नहीं आया होगा जितनी बारी x2 आया होगा उतनी बारी ये डेविएशन आया होगा तो प्लस f2 mod x2 minus x bar एंड सो ऑन प्लस और आखिरी डेविएशन रहा होगा xn minus x bar और ये कितनी बारी आया होगा जितनी बारी xn आया होगा xn कितने टाइम्स आए n टाइम और टोटल डेविएशन कितने हैं n नहीं है टोटल डेविएशन क्योंकि भैया ये डेविएशन भी तो f1 टाइम आया है ये डेविएशन का फ्रीक्वेंसी वही रहेगा जो x1 x2 का है नहीं एंड सो ऑन f बस हो गया एंड अबाउट मीडियन के केस में बस
एक्स बार को रिप्लेस कर देंगे एम से, बस वही आंसर है, समझे? फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करना एनसीईआरटी का, फिर अगली बार मिलते हैं। पहले फॉर्मूला सब एक बार अच्छे से समझ के आना, क्वेश्चन अपने आप ही देंगे, उतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। बेसिकली क्या होता है ना, बच्चे रटते हैं फॉर्मूला तो थोड़ा भी उल्टा पुल्टा हो गया तो गलत हो जाता है, पर आपको फॉर्मूला की समझ रहेगी तो गलती नहीं होगा। फिर हम बेसिकली निकाल मीन ही रहे हैं, किसका मीन निकाल रहे हैं, डेविएशन का, समझ रहे हो? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और दिमाग लगाओ, समझे? हाँ, कल 4 बजे क्लास किससे? कहाँ पे मिला था? अरुण सर क्या है? बागमिता, छोटी सी हाइट की। आपने इनवाइट करा था आई थी क्या? आपने भी शायद इनवाइट करा था अपने घर पर। हाँ हाँ बोला है। ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सो मच।